अभी म्यूट नहीं करा आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ डॉक्टर फरजाद। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मुझे रिस्पॉन्स दे दें चैट बॉक्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फरजाद फ्रॉम करियर कोचिंग सेंटर। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दे दें मुझे। काफ़ी देर बाद जो है आप लोग के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। चले बेटा, ठीक है। अब जैसे आप लोग को अगर याद हो, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो थर्मो रेगुलेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आपको मैं अब तक थर्मो रेगुलेशन बता चुका हूँ कि थर्मो रेगुलेशन होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने फिर आपको बताया था कि थर्मो रेगुलेशन के क्या क्या मैकेनिज़म्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन ऑर्गेनिजम्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी। हमने पॉइक्लोथर्म डिस्कस किए, हमने होम्योथर्म डिस्कस किए। फिर कहा गया था कि जो पॉइक्लोथर्म और जो होम्योथर्म्स हैं ये पुरानी टर्म्स हो गए। उसके बाद जो है दो नई टर्म्स आई थी जिसको आप एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स का नाम दे रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की। उसके बाद जो एक टर्म और थी जिसको हम नाम दे रहे थे हेटेरोथर्म्स, तो हेटेरोथर्म्स भी आपको बताया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट जो है आपकी मेन हेडिंग डलेगी, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल, और देन फिर आप जो है वो दूसरी हेडिंग डालेंगे सब हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन। अगर मैमल्स के अंदर देखा जाए तो दो मैकेनिज्म्स हैं जो कि थर्मो रेगुलेशन के हो रहे होते हैं, क्योंकि मैमल्स आपको पता है क्या होते हैं, मैमल्स जो हैं वो होम्योथर्म्स हैं, ठीक है, या फिर एंडोथर्म्स हैं। और एंडोथर्म्स जो होते हैं वहाँ पे कौन कौन से मैकेनिज्म होंगे, वहाँ पे बिहेवियरल मैकेनिज्म भी होता है एज वेल एज फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म भी हो रहे होते हैं। तो ये हेडिंग डाल लें आप लोग मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन की। उसके बाद वी हैव टू मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन। नंबर वन इज फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन एंड नंबर टू इज बिहेवियरल मीन्स ऑफ थर्मो
रेगुलेशन। चल अभी फटाफट जो है ये मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन की हेडिंग डाल के लिखे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन अकरिंग इन द मैमल्स। नंबर वन इज फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन। नंबर टू इज बिहेवियरल मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, अब जो मैं स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं टाइप हो रहा है वो आप लोग कॉपी करें। देयर आर टू वेज फॉर फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन। That is shivering, thermogenesis and non-shivering thermogenesis. ठीक है, इतना कॉपी कर ले तो फिर मुझे बताइएगा भाई। चलो अब इतना कॉपी कर लिया, अब देखते हैं कि ये शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है क्या, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी स्लाइड, ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है ये क्या है। शिवरिंग का मतलब क्या होता है? शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना, ठीक है। और हम कपकपाते कब हैं? हमारी बॉडी के सारे मसल्स एक साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और जब इन मसल्स की एक्टिविटी होती है तो उसको आप शिवरिंग कह रहे होते हैं। अगर कभी आपको याद हो, कभी आपको सर्दी में उठना पड़े, ठीक है, सर्दी में उठ के आप सुबह ही सुबह जो है स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो और आपको जो है जाके गीजर भी नहीं चल रहा, आपको जाके ठंडे पानी से जो है वो फेस वॉश करना है, तो उस वक्त क्या होता है, एक अजीब सी कपकपाहट सी हो रही होती है ना, उसको हम शिवरिंग कहते हैं। तो शिवरिंग का मकसद क्या होता है? ताकि हीट प्रोड्यूस हो। जब आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। अब आप अपने हाथों को रब करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये मसल एक्टिविटी है, तो हाथों को रब करने की वजह से भी क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कहेंगे? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहेंगे। तो हेडिंग डालें शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की और इसमें लिखें इट इन्वॉल्व इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मसल्स थ्रू शिवरिंग टू प्रोड्यूस मोर हीट। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लें। अभी मैंने शिवरिंग थर्मोजेनेसिस आपको समझा दिया है,
अब जरा कॉपी कर लें। लिख लिया भाई शिवरिंग और नॉन शिवरिंग? जब लिख लें तो जरा मुझे जो है वो चैट बॉक्स में रिस्पांस दे दिएगा।
आप लोग अपनी अकल यूज मत करें, ठीक है। ये जो थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक है ना, इसको हमने जो है वो हेडिंग वाइज जो है वो कवर करना है। मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशंस मैंने आपको जरूर बताया था कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं और बिहेवियरल मैकेनिज्म्स होते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के दो वैरायटीज हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त मैंने सिर्फ आपको नाम बताए थे, लिखवाया नहीं था। और अगर उस वक्त आपने लिख लिया था, क्योंकि हमारी तो कौम की फितरत है ना कि छापने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो अगर आपने उस वक्त कॉपी कर लिया तो आज दोबारा कॉपी करें। तो आज कॉपी करना जो है वो कह लें कि नाजायज नहीं हो जाएगा अगर आप उसको दोबारा कॉपी कर लेंगे तो। सारा फोकस आपका सिर्फ छापने पे होता है, समझने पे नहीं होता। अभी मैं टेस्ट रखता हूँ, अगर उस टेस्ट पे किसी के भी 50% से ब्लो मार्क्स आए तो मैं उसको टर्मिनेट कर दूंगा। इस बात को आप जहन में रखें। कॉपी कर लिया है तो मुझे रिस्पांस दे दें ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हम लोग जो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स डील कर रहे थे, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग हमने सीख लिया है कि क्या होता है। ठीक है, शिवरिंग में क्या हो रहा है, अगर हीट जनरेट हो रही है मसल एक्टिविटी की वजह से तो उसको शिवरिंग कहते हैं। नॉन शिवरिंग की अगर हम बात करें तो नॉन शिवरिंग कैसे इंक्रीज होगी, नॉन शिवरिंग के अंदर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है जिसकी वजह से हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहलाती है। अब हमने ये देखना है कि मैमल्स के अंदर किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। अब देखिए, टेम्परेचर मेंटेन होने के अलग अलग मेथड्स होंगे। अगर हम जो है हाई टेम्परेचर की बात करें, मतलब समर में बात करें, तो मैमल्स किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, और अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें मतलब विंटर की बात करें, तो किस तरह से मैनेज करेंगे। तो पहले अभी हम फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन देख रहे हैं, जिसमें बताया कि शिवरिंग और नॉन शिवरिंग है। तो पहले हमें ये देखना है कि ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर मैमल्स ने किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करना है। या मैं इसको समर कर लूं कि भाई हमें पता है हाई टेम्परेचर जो है वो कब होता है, समर में ही होता है। अब अगर हाई टेम्परेचर होगा बाहर, ठीक है, जैसे आजकल है कि 38, 39, 40 चल रहा है, अब इससे ये होगा कि आपकी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है भाई, जरा बताएं, वॉट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है,
अगर हम अपनी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये दोनों बेटा याद रखना है, ठीक है, सेंटीग्रेड में भी याद रखना है और फ़ारेनहाइट में भी याद रखना है, ठीक है बेटा। तो ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर क्या क्या चीज़ें होनी हैं और ड्यूरिंग लो टेम्परेचर क्या क्या चीज़ें होनी हैं, ये दोनों बातें हमें सीखनी होंगी, ठीक है। तो पहले अभी हम जो है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों को साथ साथ लेके चल लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है ना वो आसानी रहे, ठीक है भाई। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी बेटा जो है दो कॉलम बना लें, एक जो है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर का है और एक जो है ड्यूरिंग लो टेम्परेचर का है। यानी कि ड्यूरिंग लो टेम्परेचर ये कब होगा, ये विंटर में होगा। तो ऐसे ही आप लोग भी बेटा दो कॉलम्स बना लें इस तरह से। तो इसमें हम जो है वो देख लेते हैं कि विंटर में किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन होगा और समर में किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन होगा। मेरी आवाज नहीं आ रही, कैसा है भाई? ठीक है, कॉलम बना ले भाई। कॉलम अगर बना लिया तो भाई रिस्पांस दे दे मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस तरह से हम लिख रहे हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी जो है वो कर लें, इस तरफ जो है वो आ जाएगा और इस तरफ जो है मैं अब यहाँ पे जो मैंने टर्म लिखी है एक वेजो डायलेशन लिखी है और एक जो है मैंने वेजो कंस्ट्रिक्शन रखी है। अब ये नाम तो आपने सुने हुए होंगे, वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन, नाम सुना है या नहीं सुना? चले अब देखें,
वेजो डायलेशन का मतलब क्या है? वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है, और डायलेशन का मतलब क्या होता है? डायलेशन का मतलब होता है चौड़ा हो जाना। इसी तरह वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वेजो का मतलब अगेन क्या है? ब्लड वेसल, और कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? नैरो हो जाना। अब होगा क्या, ठीक है, मैं आपको अब समझा रहा हूँ, अब आपने ये जो है ना नोट नहीं करना है, इसे समझना है, ठीक है। अब देखें, ये हमारी स्किन है, मिसाल के तौर पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इसको आप अज्यूम कर लेंगे ये क्या है, ये आपकी स्किन है, ठीक है। अब स्किन के नीचे क्या होगा? स्किन के नीचे आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अगर आप बात करें स्किन के नीचे क्या होगा, स्किन के नीचे जो है आपकी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इस तरह से ये स्किन थी और स्किन के नीचे ये जो है ब्लड वेसल्स जा रही है, ये है ब्लड वेसल। ये रेड कलर की जो मैंने बनाई है, ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। और ये ब्लड वेसल जो स्किन के नीचे होती हैं, इसको हम नाम देते हैं सब क्यूटेनियस ब्लड वेसल। क्या कहलाएंगे ये? सब क्यूटेनियस। क्यूटेनियस हम कहते हैं स्किन को, ठीक है। मैं अभी क्यूटेनियस की स्पेलिंग आपको चैट रूम में भेज रहा हूँ कि अगर हम क्यूटेनियस की बात कर रहे हैं तो क्यूटेनियस किसको कहते हैं? क्यूटेनियस मीन्स स्किन, ठीक है। तो क्यूटेनियस जो है हम स्किन को कहते हैं। सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस का मतलब क्या होगा? सब क्यूटेनियस का मतलब होता है कि बिलो द स्किन। तो जो स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं सब क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ कुछ इस तरह से कि भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, समर है ना, समर है, गर्मी है, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो हमारी बॉडी के अंदर हीट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब ऐसी कंडीशन में बताओ हमें क्या करना है, हीट को स्टोर करना है या लॉस करना है? फटाफट बताओ, सोच के बताना कि हीट को स्टोर करना है या लॉस करना है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है और हीट जो है वो ब्लड में मौजूद है और स्किन के साथ जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये जो स्किन के साथ ब्लड वेसल मौजूद है, इसमें और स्किन में क्या है? काफी गैप है। आप ये देख रहे हैं ना भाई, ये क्या है? काफी गैप है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने ब्लैक से शो किया, ये क्या है? ये गैप है। तो अगर हमें हीट को लॉस करना है तो लाजमी तौर पे इस ब्लड वेसल को कांटेक्ट में आना होगा। लाजमी तौर पे इस ब्लड वेसल को क्या करना होगा? इस ब्लड वेसल को जो है वो कांटेक्ट में आना होगा। और कांटेक्ट में लाने के लिए क्या करना है? कह रहे हैं कांटेक्ट में लाने के लिए लाजमी तौर पे इस ब्लड वेसल की वेजो डायलेशन करनी है। और वेजो डायलेशन इस तरह से हो कि ये चौड़ी हो जाए और चौड़ी होने के बाद ये अटैच हो जाए किससे? ये अटैच हो जाए स्किन से, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट का लॉस हो, ठीक है भाई। ज्यादा से ज्यादा हीट का लॉस हो, यहाँ से हीट क्या होगी भाई? ज्यादा से ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हीट लॉस हो रही है, तो इस तरह से जो है ये हीट लॉस होगी। तो जो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना, वो टेम्परेचर क्या होगा? वो टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल की क्या हो जाएगी? वेजो डायलेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस हो। अब लो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं भाई। अगर हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो लो टेम्परेचर पे जो आपकी स्किन है, ये स्किन है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे हीट कम है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हमारी बॉडी को हीट स्टोर करनी है, लॉस करनी है। लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, बताओ भाई। तो लो टेम्परेचर पे हमारी बॉडी को हीट क्या करनी होगी? स्टोर। तो लो टेम्परेचर पे क्या होगी? ये ब्लड वेसल्स जो है वेजो, इस ब्लड वेसल्स की जो है वेजो क्या हो जाएगी? इस ब्लड वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और जब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ये स्किन से क्या हो जाएगी? ये स्किन से दूर हो जाएगी, ताकि हीट लॉस कम से कम हो। आ रही बात समझ में? चल, तो पहला पॉइंट जो आपने वेजो डायलेशन की हेडिंग डाली है ना, उसमें लिखना शुरू करें हाई टेम्परेचर वाले कॉलम में, ठीक है। ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर
ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर वेजो डायलेशन ऑफ सबकुटेनियस वेसल अकर ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर वेजो डायलेशन ऑफ सबकुटेनियस मसल अकर वेजो डायलेशन ऑफ सबकुटेनियस ब्लड वेसल अकर टू प्रोमोट रैपिड हीट लॉस टू प्रोमोट रैपिड हीट लॉस। चलो वहां लिखो। ड्यूरिंग लो टेम्परेचर ड्यूरिंग लो टेम्परेचर वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूरिंग लो टेम्परेचर वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स अकर टू रिड्यूस हीट लॉस। चलो भाई फटाफट जो है ये कर लो कॉपी, फिर मुझे रिस्पॉन्स दे दें। ठीक है भाई, तो हमने वेजो डायलेशन ऑफ सबकुटेनियस वेसल एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ सबकुटेनियस वेसल ड्यूरिंग हाई एंड लो टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली डील किया। अब जो हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो सेकंड वन जो है आप वो कॉपी कर लें। द सेकंड वन इज
इरेक्शन ऑफ पाइलो इरेक्टर मसल। ठीक है भाई, यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, पाइलो इरेक्टर मसल की हेडिंग डालना नंबर टू करके। ठीक है, ये हेडिंग डालना है पाइलो इरेक्टर मसल रिलैक्सेशन, एंड यहाँ जो डलेगी वो होगी पाइलो इरेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन। चलो भाई, अब जरा जो है इसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ये हमारी स्किन है जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया, दिस वन इज द स्किन। ठीक है, अब इस स्किन के ऊपर आप देखिएगा, इस स्किन के ऊपर यहाँ पे इस तरह से क्या अराइज हो रहे हैं, इस स्किन के ऊपर इस तरह से जो है ये हेयर जो है वो कह लो के अराइज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जरा फिर से वो कर देता हूँ, गड़बड़ हो गई। चल ठीक है, ये हमारी जो है स्किन है, इसको ज़रा गौर से देखें, इस स्किन के ऊपर से क्या अराइज हो रहा है, इस स्किन के ऊपर से हमने कहा था कि हेयर अराइज हो रहा है, ये दिस वन इज हेयर। ठीक है, अब देखें इस हेयर के नीचे अगर हम देखें तो स्किन के हेयर के नीचे एक इस तरह से मसल्स होता है, एंड दिस मसल इज कॉल्ड एज पाइलो इरेक्टर मसल। क्या कहलाता है ये, पाइलो इरेक्टर मसल। अब देखें अगर ये पाइलो इरेक्टर मसल क्या करे, ये पाइलो इरेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, हर बाल के साथ जो हेयर फॉलिकल होता है ना, वहाँ ये रेड कलर से मैंने शो किया है, एक जो है मसल होता है, अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो जो हमारे हेयर्स हैं ये हेयर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ये हेयर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से ये हेयर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इस हेयर को अगर आप देख लें तो इसको इस तरह से क्या होना था, ये पहले इस तरह से पाइलो इरेक्टर मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये हेयर क्या होता है, इस तरह से सीधा खड़ा हो गया। अब जितने भी ये हेयर्स होंगे आपकी बॉडी के अंदर वो इस तरह से जो है सीधे क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अब इन हेयर्स के सीधे खड़े होने से फ़ायदा क्या हो रहा है, इन हेयर्स के सीधे खड़े होने से फ़ायदा ये हो रहा है कि जब ये हेयर खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद बीच में इनके क्या आ गया, गैप आ गया, और जब बीच में कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या आ जाती है, इस तरह अगर बीच में आप देखें कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाती है एयर। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या आ जाएगी, वहाँ आ जाएगी एयर। अब एयर जो है ये हीट का क्या है, एयर जो है वो हीट का इंसुलेटर है, ये हीट को क्रॉस नहीं करने देगी। अब सोचो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हीट को स्टोर करना होता है या लॉस करना होता है, बताओ भाई फटाफट, हाई टेम्परेचर पे हीट को स्टोर करना है या लॉस करना है, लॉस करना है, और लो टेम्परेचर पे हमें क्या करना है, हीट को स्टोर करना है या लॉस करना है, लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे हमें स्टोर करना है। इसका मतलब है कि जब पाइलो इरेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे स्किन के ऊपर मौजूद जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जब वो बाल खड़े होंगे तो उनके दरमियान क्या आ जाएगी, हवा, और हवा क्या है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंसुलेटर है, ये हीट को क्रॉस करने नहीं देगी। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग लो टेम्परेचर पाइलो इरेक्टर मसल क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, और हवा ट्रैप करने के बाद वहां से हीट को लॉस होने नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह अगर मैं ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर बात करूं, अगर हम ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर बात करते हैं तो ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर क्या होगा कि भाई ये हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन के बाद जो है ये हमारे क्या है, ये स्किन हो गई, स्किन के बाद जो है यहाँ से क्या राइज हो रहे हैं, ये हेयर है। ठीक है, हेयर के नीचे अगर हम देखें तो हेयर के नीचे क्या मौजूद होता है, हेयर के नीचे अगर हम देखें तो हेयर के नीचे जो है वो एक मसल मौजूद है,
एंड दिस मसल इज कॉल्ड एज पाइलो इरेक्टर मसल. ये रेड कलर से मैंने बनाया है. अगर यही पाइलो इरेक्टर मसल क्या कर जाए, यही पाइलो इरेक्टर मसल रिलैक्स कर जाए, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, रिलैक्सेशन ऑफ पाइलो इरेक्टर मसल. तो रिलैक्सेशन अगर हो रही है पाइलो इरेक्टर मसल्स की, तो ये जो हेयर स्ट्रेट खड़ा हुआ था, अब ये हेयर क्या कर जाएगा, अब ये हेयर रिलैक्सेशन के बाद इस तरह से गिर जाएगा. और जब ये हेयर इस तरह से गिर जाएगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम देखें, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हेयर जो है स्ट्रेट खड़ा हुआ, तो सब क्या हो चुका है, गिर चुका है. तो अब कोई हवा ट्रैप नहीं होगी, और हवा ट्रैप नहीं होगी तो कोई हीट को जाने से रोक नहीं सकता, तो हीट क्या होगी, लॉस होगी. तो अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं कि ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर पाइलो इरेक्टर मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और ड्यूरिंग लो टेम्परेचर पाइलो इरेक्टर मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हीट को स्टोर कर सकें. ये बात अगर किसी को ना समझ में आई हो तो भाई वो बता दे, ताकि फिर हम उसको दोबारा डिस्कस कर लें और फिर आगे प्रोसीड करें. हाँ भाई क्लियर है? चलो भाई अब आप लोग लिखना शुरू करें. इसमें लिखे हैं कि ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर During high temperature, during high temperature, relaxation of pyloerector muscle, during high temperature, relaxation of pyloerector muscles occur to promote rapid heat loss, to promote rapid heat loss. चले अब जरा जो है उसमें लिखे लो टेम्परेचर पे, ड्यूरिंग लो टेम्परेचर, ड्यूरिंग लो टेम्परेचर ड्यूरिंग लो टेम्परेचर ड्यूरिंग लो टेम्परेचर contraction of pyloerector muscle during low temperature, contraction of pyloerector muscle contraction of pyloerector muscle
ड्यूरिंग लो टेम्परेचर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पायलो इरेक्टर मसल अकर टू स्टोर हीट इनसाइड द बॉडी टू स्टोर हीट इनसाइड द बॉडी अच्छा चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ हाई टेम्परेचर वाला पॉइंट भी वो जरा नोट कर लें ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर रिलैक्सेशन ऑफ पाइलोरेक्टर मसल अकर ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर रिलैक्सेशन ऑफ पाइलोरेक्टर मसल अकर relaxation of pyloerector muscle occur to promote heat loss ठीक है भाई तो ये हमारे जो है दो पॉइंट्स हो गए और इसको इंशाल्लाह मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर इसको मजीद प्रोसीड करूंगा इन पॉइंट्स के अंदर अगर आपको कोई मसला है या कोई ऐसी बात जो आपको अगर ना समझ में आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लियर है सब जी हर हेयर के नीचे पाइलोरेक्टर मसल्स जो हैं ये हर हेयर के नीचे मौजूद होते हैं हर हेयर का एक फॉलिकल होता है हेयर फॉलिकल उस फॉलिकल के साथ मौजूद होता है चलो तो फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।